वेलकम बैक टू माई चैनल, माई नेम इज हरमनदीप सिंह और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शहद खाने के क्या फायदे होते हैं। अगर आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं कि शहद खाने के क्या फायदे होते हैं, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का शहद खाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो क्लेम तो करते हैं कि उनका शहद बहुत बढ़िया है, पर वो ऐसे ही ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर बहुत बार न्यूज़ चैनल के ऊपर न्यूज़ भी आ चुकी हैं, जो ये कहते हैं कि उनके शहद में लेड आ चुका है और उनका शहद नहायत ही घटिया क्वालिटी का हो चुका है। और उनमें बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के बारे में भी बताया गया है। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप YouTube के अंदर ही सिर्फ सर्च करें कि न्यूज़ ऑन इंडियन हनी, तो आपको ऐसी बहुत सारी न्यूज़ मिल जाएंगी जो ये क्लेम करती हैं कि इंडिया में बिकने वाला जो शहद है वो आपकी सेहत को ख़राब भी कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है ये पता करना कि शहद अगर खाना है तो खाना कौन सा है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात कर लें जो शहद खाने से आपको मिलते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ये जरूर ऐड कर दूँ, क्योंकि जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडिया में बिकने वाले शहद हैं जो उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स लगा चुके हैं, तो मैं जब हनी के बेनिफिट्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो आप मान के चले कि मैं एक ऐसे हनी की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल नेचुरली प्रोसेस्ड है। दोस्तों, शहद की क्वालिटी जितनी नेचुरल हो और जितना वो किसी ऐसी जगह पे बना है जहाँ पे फ्लावर्स की वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके वो अगर फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बाय डिफॉल्ट होती हैं। अब आप कहेंगे कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मतलब ऐसे फ्लावर्स जिनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मेडिसिंस के गुण होते हैं, लेकिन वो मेडिसिंस नहीं होती, वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं और आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ होते हैं। वो आपके अंदर मेडिसिंस का काम तो करते हैं लेकिन उनको खाने से कोई नुकसान नहीं, उल्टा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है आपको। तो इसलिए हनी अगर खाना है तो उसकी ये ज़रूर चेक कर लें कि वो कहाँ पर पैदा हुआ है और किस टाइप से उसको बनाया गया है। तो चलिए बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों, हनी एक ऐसी डाइट है जिसको हम लोग संपूर्ण खुराक भी कहते हैं, यानी कि एक कंप्लीट फूड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको ऑलमोस्ट बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं जो आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को रिक्वायर्ड होते हैं। और हनी की एक और खासियत बात बता दूं मैं, ये इसको प्री डाइजेस्टेड फूड कहते हैं, यानी कि पहले से पचा पचाया फूड। इसका मतलब ये होता है कि जब हम लोग कुछ खाते हैं तो उसको पहले पचाते हैं, हम लोग पहले पचाने का उसका एक प्रोसेस होता है और उसके बाद वो डाइट जो है हमारी बॉडी को जाके लगती है। लेकिन हनी एक ऐसा फूड है जो पहले से पचा पचाया है, इसको जब हम लोग खाते हैं तो ये इमीडिएटली आपके अंदर जाके एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देता है, इसको पहले पचाने की जरूरत नहीं होती है, ये प्री डाइजेस्टेड होता है। दोस्तों, शहद से आपको विटामिन ए, बीटा कैरोटीन, कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स विटामिंस, विटामिन सी, डी, ई, के, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, क्लोरीन, आयोडीन, पोटेशियम, सोडियम, 19 अमीनो एसिड्स भी मिल जाते हैं, और जिसमें से 8 ऐसे अमीनो एसिड्स भी मिल जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, हनी में आपको भरपूर मात्रा में एंजाइम्स भी मिल जाते हैं, और इसके अलावा और भी कई मेडिसिनल कंपाउंड्स भी मिल जाते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि जब मधुमक्खियां हनी बना रही थी तो उन्होंने किन पॉलन से इनको लिया। दोस्तों, हनी में आपको भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाते हैं, और हनी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसका फायदा ये होता है कि आपकी बीमारियों से लड़ने की शक्ति जो है वो बाय डिफॉल्ट बढ़ती है। कहते हैं कि हनी जितना ज़्यादा गाढ़े भूरे ब्राउन कलर का हो उतना ज़्यादा फायदेमंद होता है आपके लिए, उसमें उतनी ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। और कहते हैं कि हनी में एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। जिन लोगों को ब्लड की कमी हो रहती है उन लोगों को हनी खाना भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, ब्लड को इंक्रीज करने में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप रोज़ाना एक गिलास गुनगुना पानी लेके उसमें थोड़ा हनी मिक्स करके अगर आप रोज़ाना यूज़ करते हैं खाली पेट खास करके, और इसमें अगर थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला लें तो और ज़्यादा बेनिफिट होता है। ये आपके वेट को रिड्यूस करने में आपको हेल्प कर सकता है, और जहाँ पे ये आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होता है जो अपना वेट इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा ठंडे दूध में या नॉर्मल दूध में एक चम्मच हनी मिक्स करके उसको रात को सोने के टाइम पीते हैं या सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग अगर आप उसको पीते हैं तो ये आपके वेट को इंक्रीज करने में आपको हेल्प करता है। शहद आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं या जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, या इवन ये ब्रेन की एनर्जी को भी बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा, जिनका बहुत ज़्यादा मोबाइल पे यूजेज जिनकी रहती है या कंप्यूटर यूजेज जिनकी रहती है, अगर वो शहद को खाते हैं रेगुलर तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। उनकी फिजिकल एनर्जी को भी बढ़ाता है, उनकी मेंटल एनर्जी को भी बढ़ाता है। ये एंटी एलर्जिक भी होता है, इसमें एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज होने के कारण जिन लोगों को जैसे मौसम की चेंजेस आती हैं तो थोड़ा सा कफ कोल्ड वगैरह महसूस होना शुरू हो जाता है, अगर वो हनी को खाते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है।
दोस्तों जिनके मुंह से बैड ब्रेथ आती है, थोड़ी सी बैड स्मेल सी आती है, अगर वो शहद में थोड़ा सा पुदीने का रस अगर मिला के उसको यूज़ करते हैं तो ये उनको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाता है, बैड ब्रेथ जो है उसको रिड्यूस करता है, ख़त्म करता है। और इसी टाइप से हनी जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। दोस्तों अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कट लग गया है या बर्न हो गया है, ऐसी चीज़ों के ऊपर भी अगर आप लगाते हैं तो शहद आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकवरी करने में हेल्प करता है। इसी टाइप से हनी को एंटी एजिंग भी कहते हैं, ये आपको लंबे समय तक फिट एंड हेल्दी रहने में प्लस यंग रहने में आपको हेल्प करता है और आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप इसको रेगुलर खाते हैं तो आपकी स्किन लंबे समय तक ग्लोइंग रहेगी, अगर पहले से उसमें ड्राइनेस है या ग्लोइंग कम है तो अगर आप शहद खाना शुरू करेंगे तो वो आपके फेस के ऊपर नई सी चमक लेके आने में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और हनी में नेचुरली एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि सूजन वगैरह में भी ये फायदेमंद होता है। दोस्तों बस एक चीज़ याद रखिए कि शहद को घी प्रोडक्ट्स के साथ नहीं खाना चाहिए, कहते हैं कि उसको आपको इसको घी प्रोडक्ट के साथ खाने से अवॉइड करना चाहिए। तो ये थे दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स जो आपको हनी अगर आप रेगुलर खाते हैं तो उससे ले सकते हैं। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि हनी खाने के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पाता कि आप कौन सा हनी खाएं, क्योंकि जब हनी खाना है तो उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए, कुदरती होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं कि उसकी प्रोसेसिंग जो है वो नेचुरल नहीं होती है, इसलिए क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये चीज़ हो सकता है कि आप चाहें कि ये कैसे पता चलेगा कि ये वाकई में जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँ उन ऐसी वीडियोज़ का जो ये बताती हैं कि इंडिया में बिकने वाले बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं हनी के उनमें लेड पाया जाता है जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, तो आप नीचे दिए हुए लिंक्स में उसको चेक कर सकते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग जी खुद नेचुरल जो हम लोग ने खुद छत्ते से निकलवाया है शहद और हम लोग वो शहद यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मैं दोस्तों ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि शहद की जो क्वालिटी आपको चाहिए क्या वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों हनी की शहद की क्वालिटी तब बढ़िया बनती है जब अगर वो नेचुरली प्रोसेस है, और उसकी क्वालिटी असल में तभी बढ़िया बनती है अगर वो ऐसी जगह पे बन रहा है जहाँ पे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको अगर आप देखें आसपास जहाँ पे हनी बन रहा है, जहाँ से आपने हनी निकलवाया है, तो वहाँ पे कहीं दूर दूर तक आपको कहीं कोई फ्लावर्स नज़र नहीं आते हैं, या अगर आते हैं तो बहुत कम वैरायटी में नज़र आते हैं। तो ऐसे में मधुमक्खियां शहद कहाँ से बनाती हैं आप खुद सोचें, क्योंकि शहद अगर बनना है तो ऐसी जगह पे बना होना चाहिए जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और खास करके अगर ऐसी जगह पे बन रहा है जहाँ पे अगर कोई फ्लावर्स की कल्टीवेशन है तो उनके ऊपर कोई किसी टाइप का कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं स्प्रे होते। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जब भी आपने कोई हनी यूज़ करना है तो ये चेक कर लें कि उसके ऊपर नेचुरल हनी लिखा हो। ये बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, ये लिखती हैं गारंटेड प्योर या प्योर गारंटेड, नहीं मैं आपको एडवाइस करूँगा आप ये चेक करें कि उसके ऊपर नेचुरल हनी लिखा हो, यानी कि उसकी जो प्रोसेसिंग है वो नेचुरली हुई हुई है। प्लस अगर उसके ऊपर बी हनी लिखा है, सिर्फ हनी नहीं बी हनी, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का हनी है जो आपको मिल रहा है। तो अगर हनी के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं या कोई डिस्कशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा मिला, आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम, बाय।